ਕੈਂਪਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 94 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੌੜਾਕ ਭਗਵਾਨੀ ਦੇਵੀ ਡਾਗਰ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। हाल ही दे विच समापत होई विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 दे विच भगवानी देवी ने कुल 3 तगमे जीते ने। इस विच 1 सोन अते 2 कांसी दे तगमे शामिल ने। भगवानी देवी ने 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ दे विच सोन तगमा जीतया है, जबकि शॉटपुट विच कांसी दा तगमा जीतया है। दस दईए कि इस बजुर्ग महिला एथलीट ने 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ 24.7 सेकंड दे विच पूरी कीती। इस तो पहला उसने चेन्नई दे विच हुई नैशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप दे विच 3 सोन तगमे जीते सन, जिस तो बाद वो विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 दे लई क्वालीफाई कर ली गई सी। टैंपरे विच उसदे शलाघायोग प्रदर्शन तो बाद उसकी चारे पासे खूब तारीफ हो रही है। भारतीय खेड मंत्रालय ने भी उसनू वधाई दिती है। दस दईए कि विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 29 जून तो 10 जुलाई तक टैंपरे विच आयोजित कीती गई सी। ਇਹ 35 साल ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੈਲੀਬਰ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ABP ਸਾਂਝਾ। ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂੰਨ।